जय हिंद। आज का आप ये देखिए जो नोटिफिकेशन नया आपका भर्ती का आ गया है, किसका? आईटीबीपी का आया है। आईटीबीपी में किस पोस्ट का है आपका, किस रैंक का है आपका, यह कांस्टेबल का है। एनिमल ट्रांसपोर्ट में आपका यह फॉर्म आया हुआ है। अब एनिमल ट्रांसपोर्ट में आया हुआ है, कब से फॉर्म को फिल हो रहा है इसको मैं देखिए। अब आपको आपका कब से फॉर्म फिल हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए, 29 अगस्त से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। आज आपका 28 है, यानी कल से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए 27 सितंबर 2022 तक आपका फॉर्म यह चलेगा। और मैं इसको आपको सब पहले इंटीमेट कर दिया था कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर देखिए आप का नेशनल कोबरा कैडेट्स के नाम से, इसमें इतने लोग जुड़े हुए हैं। 27 अगस्त को इंटीमेट कर दिया हूँ, 26 को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। तो आप यहाँ पे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आके जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा पहले इंटीमेट कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और टाइम भी देखना पड़ता है फ्री है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए आईटीबीपी का है आपका, देखिए यहाँ पे पूरा मैं मेंशन कर दिया हूँ क्या शॉर्ट में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आपका एनुअल ट्रांसपोर्ट नोटिफिकेशन 2022, ऑनलाइन अप्लाई डेट इतना से इतना तक है, रिक्रूटमेंट या एनुअल ट्रांसपोर्ट का फीमेल एंड मेल बोथ आर एलिजिबल, 52 वैकेंसीज है। और यहाँ पे आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे करके यहाँ से आप आ सकते हैं फॉर्म को अप्लाई वाले पेज पे, और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अगर आपका पहले से बना हुआ है, नहीं तो न्यू यूजर्स रजिस्ट्रेशन, यूज़र रजिस्ट्रेशन पे करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं इस तरह से भी। चलिए मैं आपको यहाँ पे यह बता रहा हूँ कि आपका यह तो हो गया। अब इसके बाद कितना पोस्ट है, 52 पोस्ट है, मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। यहाँ पे आप देख लीजिए अगर आपको देखना कितना है किसके लिए, और इसमें पे एंड अलाउंसेस 21,700 रुपये है। और फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है कि मैट्रिकुलेशन पे है, 10वीं पास पे है। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, आपको सीधे लेते चलते हैं एज रिलैक्सेशन पे। एज रिलैक्सेशन में आपको 5 साल का छूट मिल रहा है, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 8 प्लस, ये देख लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए इतना है। ये सब तो हो गया। अब यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड 170 सेंटीमीटर, मेल के लिए 150 सेंटीमीटर, और अनएक्सपेंडेड चेस्ट आपका 80-85 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्मल मिनिमम रहना चाहिए 80 और एक्सपेंड होके 5 सेंटीमीटर 85। और कैंडिडेट जो भी यहाँ पे है इस रीजन से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए कितना चाहिए, 165 प्लस 155 हाइट फीमेल का होना चाहिए, और चेस्ट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करेंगे 162.5 उनके लिए हाइट लगेगा, वेट उसी के हिसाब से लगेगा। और आई का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, 6 नॉर्मल 6, और जो भी है यहाँ पे आईसरा चार्ट का जो भी है CP3 के हिसाब से कलर ब्लाइंडनेस का हो गया। नीचे आपका यही है नॉर्मल है, अब इतना ही। और आपका रनिंग का यहाँ बात करूँ तो रनिंग का बहुत ही आसान है आपका, कितना है 1600 मीटर आपका 7.5 मिनट में है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, लड़कियों का 4.45 मिनट में आपको 800 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, सबसे पहला आपका फेज क्या होगा, यही रनिंग होगा फेज वन। रनिंग होने के बाद आपका रिटर्न होगा, रिटर्न 100 मार्क्स का होगा, यह आप देख लीजिए 25 25 25 मार्क्स का OGD के पूरा बेसिस पर है। तो यही इस वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में है, यहाँ पे फेज 3 है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपको भरना है तो भर दीजिए, और क्या भर्ती में जाइए देखिए क्या होता है। और बाकी वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो, इसके लास्ट में एक वीडियो आएगा कि फिजिकल कब होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसका भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ अलग से। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।